खाओगे। हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। इसमें आज की इस वीडियो में आपको कौन सी क्लासें आपको इस वीडियो पे मिलेंगी, इस चैनल पे आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, वो सारी चीज़ें आपको आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और इस वीडियो के माध्यम से आपको जो स्कीम आई है, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए जो है बीएससी वालों के लिए, मैं मेनली मुख्य रूप से बीएससी वालों का इस वीडियो में स्कीम बताऊंगा आपको कि ठीक है स्कीम कब से पेपर है आपके फिजिक्स मैथ। ठीक है, तो मेनली ये चैनल जो है फिजिक्स क्लास के लिए है, जो कि 11th 12th जो कि सीबीएसई बोर्ड के लिए भी इसमें जो है इस चैनल पे आपको मिलेगा, यानी कि केवल हिंदी मीडियम के को ही फिजिक्स पढ़ने को मिलेगा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के अलावा भी जो है आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं तो, या फिर आईसीएसई बोर्ड किसी भी बोर्ड से हैं, तब भी आपको इंग्लिश मीडियम आपको यहाँ पे इस चैनल पे आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात और आपको यहाँ पर इस चैनल पर मैंने बता ही दिया, क्लास 11th 12th सीबीएसई बोर्ड हो या फिर यूपी बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम भी पढ़ा चलेगी क्लास और इंग्लिश मीडियम भी चलेगी क्लास। ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर, एमएससी फर्स्ट ईयर और एमएससी सेकंड ईयर, ये सारी क्लासेज जो है इस चैनल पर आपको आपके इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, और फिजिक्स बाय ब्रिजेश सर, ठीक है, ब्रिजेश सर के द्वारा, मींस मेरा नाम ब्रिजेश कुमार चौरसिया है और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और आपको इस चैनल को, अगर आप नए हैं इस चैनल पर, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर फिजिक्स पढ़ना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो या फिर ऑनलाइन पढ़ाऊँ वैसे ही आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चल जाए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको अब बताते हैं कि हम एग्ज़ाम के पॉइंट पे आते हैं। परीक्षा जो है आपका स्कीम आ गया है, नज़दीक है, बीएससी फाइनल ईयर वालों की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, एमएससी वालों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। और ये है कि इसमें जो है फाइनल ईयर का मतलब है कि बीएससी बीकॉम बीए एमएससी एमए एमकॉम, इन सारे जो भी क्लासेज हैं, इन सारे क्लासों का जो है फाइनल ईयर के स्टूडेंट का केवल एग्ज़ाम होगा, अदर क्लास के स्टूडेंट के एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, आप लोग खुद जानते हैं कि कोरोना महामारी के चलते जो है एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन कर दिए गए थे, इसलिए वो मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री लोगों के द्वारा जो है या फिर कानपुर यूनिवर्सिटी या फिर अदर जो है विश्वविद्यालय हैं जो कि लोगों के बैठक हुई, उसमें जो है इन लोगों ने जो है अपना सब लोगों ने आपस में बातें की, फिर इसके बाद सोचा, तो फिर इसके बाद जो है कहा कि जो है फाइनल ईयर के स्टूडेंट को जो है एग्ज़ाम कराया जाए और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो है इन लोगों को प्रमोट कर दिया जाएगी क्लास में। ठीक है, तो इसमें जो है फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए जो है स्कीम जो आई है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको स्कीम बताएंगे कि आपका पेपर कब है। केवल हम बीएससी, इस वीडियो में आपको केवल बीएससी फाइनल ईयर वालों के को स्कीम मिलेगा देखने को। ठीक है, तो मेरे वीडियो पर बने रहिए, आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए, इसमें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल को। क्यों? क्योंकि जो है फिजिक्स जो है इस चैनल पर आपको इस चैनल से आसान जो है और कहीं आपको फिजिक्स पढ़ने को मिलेगा ही नहीं। ठीक है, मैं इतने आसान से आपको पढ़ाऊंगा कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप वीडियो देखते ही समझेंगे, फिर उसके बाद जो भी सारे तरीके हैं तैयार करने के वो मैं आपको पूरे टिप दूंगा। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए, और फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है आगे फिजिक्स के माध्यम से या फिर फिजिक्स पढ़कर कुछ करना है आगे साइंस में, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए, ताकि आपके दोस्त भी इस चैनल को का लाभ उठा सके, मीन्स
इस चैनल पर जो क्लासेस चलेंगी उनका लाभ उठा सके, पढ़ सके अच्छे से, ठीक है। तो अब हम आइए आपको हम स्कीम दिखाते हैं बीएससी फाइनल ईयर वालों का, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम आप लोगों को स्क्रीन पर ले जाते हैं लैपटॉप के, उसमें आपको दिखाते हैं कि बीएससी थर्ड ईयर का स्कीम आ गया है और कब से पेपर हैं आपके, ठीक है। तो चलिए ले चलते हैं आपको। तो देख लीजिए आप लोग, ये छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर द्वारा बीएससी तृतीय वर्ष के परीक्षा कार्यक्रम वर्ष 2020 समय प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक, ठीक है। अब आप लोग देखिए यहाँ पर पेपर आपके 11 जुलाई 2020 दिन शुक्रवार रसायन विज्ञान और प्रश्न तृतीय प्रश्न पत्र है। क्या प्रश्न पत्र जो है पेपर आपका थर्ड पेपर होगा, पहला पेपर केमिस्ट्री का है। बीएससी फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट ध्यान दें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से सुनिए। और अगर आपने स्कीम नहीं देखी है तो आप स्कीम देख लीजिए और लिख लीजिए, आप उसी हिसाब से तैयारी करना आप शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो देख लीजिए, आपको फिजिक्स के लिए देख लीजिए, इस चैनल पर आपको फिजिक्स की तैयारी पूर्णता मिलेगी। आपको अगर कोई प्रॉब्लम फर्स्ट पेपर या थर्ड पेपर आपका थ्योरेटिकल होगा और जो सेकेंड पेपर है देख लीजिए स्टार बना हुआ है इसमें भौतिक विज्ञान फिजिक्स, और ये आपका 22 जुलाई 2020 को है, बुधवार दिन पड़ेगा। ये द्वितीय प्रश्न पत्र है जो कि आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव की तो तैयारी शायद आप कर सकते हैं, अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो फिजिक्स फर्स्ट पेपर है वो 20 जुलाई 2020 सोमवार को होगा, और फिजिक्स थर्ड पेपर जो है हम देख लेते हैं, जो फिजिक्स थर्ड पेपर है वो शनिवार को 25 जुलाई 2020 को होगा, ठीक है। तो अगर आपको फिजिक्स फर्स्ट पेपर थ्योरेटिकल और फिजिक्स थर्ड पेपर या फिर फिजिक्स सेकंड पेपर ऑब्जेक्टिव में किसी भी में कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में नीचे आप कमेंट करके आप हमसे प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, और हम आपको आपकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे या दूर करने का प्रयास करेंगे। और जिस टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम हो तो वैसे भी इस चैनल पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो जो है मैंने डाल दी है, आप ऊपर आइकन पर क्लिक करके वीडियो हमारी पिछली देख सकते हैं, उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने बताए बीएससी थर्ड ईयर के थर्ड पेपर के लिए जो है, इसमें जो है थर्ड पेपर आपका कब होगा, 25 जुलाई को होगा। कितने दिन का डिफरेंस है इसमें, इसमें जो है जो तृतीय प्रश्न पत्र है और द्वितीय प्रश्न पत्र है, द्वितीय प्रश्न पत्र और तृतीय प्रश्न पत्र के बीच जो है 3 दिन का गैप है, 22 को होगा, 22 के बाद 2 दिन का पूर्णता आपको टाइम मिल रहा है, 23 और 24 को आप कायदे से तैयारी कर सकते हैं 25 जुलाई। तो कहने का मीन्स ये है कि आप अभी से ही आप इसको रिवाइज करिए, थर्ड पेपर और फर्स्ट पेपर पे आप ज़्यादा फोकस करिए, सेकेंड पेपर भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपके मार्क्स नहीं कटने वाले हैं, लिखने वाला तो है नहीं, तो जो भी ऑब्जेक्टिव है जितने भी मार्क्स उसमें क्लियर है, एक ऑब्जेक्टिव सही हुआ तो पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, उसमें मार्क्स तो कटने नहीं है। तो आप ऑब्जेक्टिव पर भी विशेष ध्यान दीजिए, ये नहीं कि वो ऑब्जेक्टिव है तो आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी ही नहीं करिए, ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी करिए साथ साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पूरा टाइम जो है अलग अलग एक टाइम टेबल बना लीजिए, उसी हिसाब से आप तैयारी करिए। फिजिक्स आप मेन पॉइंट मैं ये बता रहा हूँ, बीएससी आपका फाइनल ईयर है, अगर आपने इसमें जो है अच्छा खासा कुछ पढ़कर अच्छा खासा परसेंटेज बना लिया तो ये फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में आपने कुछ नहीं बना पाया तो कम से कम 50% तो आप बना पाएंगे, ठीक है। तो मेन और आपको अगर आप कायदे से तैयारी करेंगे तो अच्छे मार्क्स भी आएंगे, ठीक है, साथ साथ आपको फिजिक्स भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। और साथ में अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर बीएससी फाइनल के बाद कहीं एमएससी
फिजिक्स से या फिर मैथ या फिर कुछ भी करना चाहते हैं कहीं बाहर से या फिर आईआईटी से एमएससी करना चाहते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप फिजिक्स की तैयारी करेंगे, पढ़ के जो है पेपर देंगे अच्छे से, फिर उसके बाद वही काफ़ी पॉइंट जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम में फिजिक्स जो एमएससी किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से करना है आपको, या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम देके करना है तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में फिजिक्स से एमएससी करना है तो फिजिक्स जो है आती है ठीक है पेपर में, तो वो जो है बीएससी से रिलेटेड रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बीएससी से ही मिलेगा ठीक है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में। इसलिए आप फिजिक्स को कायदे से पढ़िए, पेपर अच्छे से दीजिए ठीक है। फिर उसके बाद जो है अब आपको हम आगे दिखा देते हैं फिजिक्स है, फिर उसके बाद वनस्पति विज्ञान है 23 जुलाई को ठीक है, फिर भौतिक विज्ञान मैंने बताया 25 जुलाई को, पहला फिजिक्स मेन हेडिंग पर आपको यहाँ पे बता रहा हूँ फिजिक्स फर्स्ट पेपर जो है भूलिएगा नहीं 20 जुलाई 2020 को है, और सेकंड पेपर जो है वो 22 को है, और थर्ड पेपर फिजिक्स जो है वो 25 को है, जो कि इसमें जो है थर्ड पेपर में आपको टाइम मिल रहा है काफ़ी ठीक है। और गणित का जो है आपका जो फोर्थ पेपर है वो वैकल्पिक है ठीक है, तो ये 30 जुलाई को होगा ठीक है। तो और लास्ट पेपर जो है वो शारीरिक शिक्षा का है, वो 6 अगस्त को होगा ठीक है। तो और इसमें जो है तारांकित स्थान बता दिया गया है कि 2 घंटे की अवधि में होगा, 7 से 9 होगा, तथा उनकी जो है सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार की मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे ठीक है। नीचे लिखा गया है जो समय जो है इसका जो है 3 बजे से 5 बजे तक पर्यावरण अध्ययन के लिए है ये टाइम ठीक है, जो कि कब होगा 12 जुलाई 2020 को होगा, कब होगा 12 जुलाई 2020 रविवार को होगा ठीक है। तो आप आई होप कि आपको आपने जो है बीएससी फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट जो है स्कीम देख लिए होंगे ठीक है। तो इसमें जो है देख लीजिए आराम से, मैं एक बार फिर से इसको कर्सर को घुमा रहा हूँ, देख लीजिए आप, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप स्कीम लिख लीजिए और जिस रूम में आप पढ़ते हैं उस रूम में लिखकर किसी खूंटी पर या फिर कोई हैंगर होगा उसमें आप लटका दीजिए लिख के बड़े बड़े अक्षरों में, ताकि आप भूले नहीं। जिस 2 पेपर होंगे फाइनल ईयर में आपके, तो कुछ स्टूडेंट पीसीएम से किए हैं तो केमिस्ट्री छोड़ दिए तो फिजिक्स मैथ होगा, कुछ स्टूडेंट मैथ छोड़ दिए तो फिजिक्स केमिस्ट्री होगा। तो इस तरह जो भी स्कीम जो भी आप सब्जेक्ट लिए हैं वो सब्जेक्ट आप इसमें से डेट लिख लीजिए, दिन लिख लीजिए, और कौन सा पेपर किस दिन होगा ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिए, देख लीजिए। आपको मैं फिर कर्सर करके आपको घुमा के दिखा रहा हूँ और आप लिख लीजिए, और ताकि आपको याद रहे कि पेपर हमारा आ गया और हम कायदे से इसका जो भी आप पहले से तैयार कर रखे हैं उनको कायदे से रिवाइज करिए। और अब हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बताने वाले हैं ठीक है, तो इसी वीडियो के माध्यम से। तो आप लोगों ने स्कीम देख ली होगी ठीक है, तो स्कीम आप फिजिक्स मैथ लिए हैं तो उसका स्कीम जो है आप अदर पेज में लिख लीजिए, मैं मानता हूँ आपके पास मोबाइल है लेकिन आप पेज में लिख लेंगे, ब्लैक स्केच ले लीजिए उसके हिसाब से आप बढ़िया बड़े बड़े अक्षरों में आप लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स मैथ लिए हो तो फिजिक्स में 3 पेपर होंगे, मैथ में 4 पेपर होंगे ठीक है। तो इसको जो है एक अच्छे सादे पेज में बढ़िया बड़े बड़े अक्षरों में डेट और पेपर कब से कब तक है ठीक है, और टाइम लिख लीजिए, और इस हिसाब से आप अपने कमरे में जहाँ पर आप पढ़ते हैं आपके जस्ट सामने होना चाहिए स्कीम ठीक है, उसी हिसाब से आप टाइम टेबल बना लीजिए और तैयारी करिए, क्योंकि तैयारी करने के लिए समय बहुत कम है आपके पास ठीक है। तो मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि आप को ये चैनल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो इस चैनल पर फिजिक्स मींस फिजिक्स ही पढ़ाई जाएगी इस चैनल पे, तो फिजिक्स के स्टूडेंट ध्यान दें कि आप 11th के स्टूडेंट हैं, CBSE बोर्ड ICSE बोर्ड या फिर UP बोर्ड हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आपको फिजिक्स की सारी क्लासें मिलेंगी ठीक है 11th और 12th की ठीक है।
मतलब मीडियम के हिसाब से सारे मीडियम के स्टूडेंट आप पढ़ सकते हैं इस चैनल पे। और बीएससी के स्टूडेंट ध्यान दें, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट ध्यान दें, उन स्टूडेंट को भी इस चैनल पर पूरी तरह कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है बाहर, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के कारण जो है वैसे भी बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि अभी भी केसेस बढ़ रहे हैं। इसलिए आप लोगों को कोचिंग बाहर जाने की आवश्यकता है ही नहीं, आप मोबाइल पर ही कायदे से पढ़िए। और मैं इस श्योरली बता रहा हूँ कि आपको ये नहीं कि केवल डेरिवेशन समझा दूंगा, आपको थ्योरी नहीं बताऊंगा, थ्योरी नहीं लिख के दूंगा, नोट्स नहीं बनवाऊंगा, ये कतई मत सोचिए कि इसमें जो है यूट्यूब चैनल पे जो है आपको नोट्स ही नहीं मिलेगा, थ्योरी लिखी कैसे हम लिखेंगे सर, नोट्स कैसे बनाएंगे, तो ये सारी आपके हेडेक दूर हो जाएं, इस पर कोई टेंशन मत लीजिए आप लोग। आपको इस चैनल के माध्यम से हम पढ़ाएंगे और डेली का डेली थ्योरी आपको व्हाइट बोर्ड पर ही हम आपको लिखवाते रहेंगे और साथ साथ समझाएंगे, और आप डेरिवेशन भी आपको पूरी तरह से मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मीन्स ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि कोचिंग या फिर बाहर भीड़ लगाएं ना, और कोचिंग जाने की बाहर ज़रूरत नहीं, ये फ्री क्लास है, ठीक है। आपको यूट्यूब पे नेट डलवाते ही हैं, जो खर्चा करते हैं, जो अदर वीडियो देखते हैं, आप स्टडी करिए वीडियो पर, ठीक है, यूट्यूब चैनल पर स्टडी करिए अच्छे से कायदे से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, आपको हम कायदे से स्टडी करवाएंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, आप लोग कायदे से मेहनत करिए और गॉड ब्लेस यू।